कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक की ओर से सभी को स्वागत, सभी का स्वागत है। और आज ये वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है ग्रेट मिशन कॉन्वेंट स्कूल का हर वर्ष की तरह। यहाँ पर असलियत में ये अनाउंस करने के लिए मैंने किसी की पैरों की पायल ली है, लेडीज की चांदी की पायल, अगर किसी का हो तो यहाँ पर से ले लें। और अभी कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। चीफ गेस्ट आएंगे उनके लिए है, और वो हमारे ही चीफ गेस्ट नहीं है, आप लोगों के भी हैं, क्योंकि स्कूल हम सबका है। तो माफी चाहूंगी, बस थोड़ी ही देर में हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये बच्चों द्वारा उनका वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, और सर्वप्रथम मैं आप सभी अतिथियों का अपने पूरे परिवार की ओर से, यानी कि ग्रेट मिशन परिवार की ओर से, अपने चेयरमैन सर की ओर से, अपनी मैनेजमेंट की ओर से, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों की ओर से अपना काम समझ के जो है एक बार मंच पे आने का कष्ट करें, और साथ ही
हमारे पंडित जी रमेश गौड़ जी, जिनसे मैं आग्रह करूंगी कि मंच पे आए, हमारे स्कूल के मैनेजर सर श्री आर के शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे आए, और साथ ही यहाँ पे हमारे अतिथि रघुवीर सिंह नेगी जी हैं, सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे आए, लसियाल जी और दिवाकर उनियाल जी, रावत अंकल, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे आए। अनुप्रिया मैम, भारती जोशी मैम है यहाँ पे, अगर मैम आ जाइए, दीपो ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरतु मैं पापम, संध्या दीपे नमस्तुते। तो मैं रमेश गौड़ जी से आग्रह करूंगी कि वो आकर जो है दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का आगाज करें। आज का ये वार्षिकोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, मैं सभी आगंतुक मेहमानों का हृदय से स्वागत करते हुए और यहाँ पर ये पूजा प्रारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन का। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थं गतो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि पुण्डरीकाक्षप्पनात् पुण्डरीकाक्षप्पनात् पुण्डरीकाक्षप्पनात्। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः नमः प्रियाचम्य। ओम गायत्री नमः, सावित्री नमः, सरस्वती नमो नमः प्रियाचम्य हस्त प्रक्षालनं। ओम हरि ओम सभी का जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु मे पूजा अधिपति नमो नमः। ओम हरि ओम मा चंदनस्य गंधद्वारा द्वादशां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वगंधानां तामिहो पहवेश्यं मंगलं भगवान विष्णुं मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुण्डरीकाक्षा मंगलायतनो हरि। ओम देहि शोभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जयि। सब लोगों के पास इस कार्यक्रम की प्रारंभता के लिए वैदिक मंत्र हमारा वेद जो है सर्वोपरि होता है और विद ज्ञाने से वेद बनता है, ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिए जो है हम वैदिक मंत्र से कल्याण बच्चों के कल्याण के लिए आप सभी लोगों के कल्याण के लिए स्वस्ति वाचन। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रौ वृद्ध सर्वा स्वस्ति नहं भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु अग्निर्देवता भवतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्र देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः शमीहसे ततो नौ अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपति वंगवामये
प्रियानांता प्रियपति गंगवामहे निधिनांता निधिपति गंगवामहे बसो मम अहम जानि गर्वधमा तमजाशि गर्वधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन स्वस्थ स्वकः शुभद्रिकां कांपीलवासिनीम् स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हरणग्रभाभ्यां नमः शचीपुरन्द्राभ्यां नमः माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः श्री सरस्वती चरणकमलेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमः गणेश जी का ध्यान करेंगे सब लोग ओम शुमुखश्चे गदंतश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुगणाध्यक्षो वालचंद्रो गजाननो द्वादशैतानि नामानि योपठेच्छुनीयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शङ्कटैश्चैव विघ्नतश्च न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिशमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ हस्ते पुष्पाक्षज्जल द्रव्यं च आदाय इधर हाथ में थोड़ा द्रव्य भी रख लो दक्षिण आप भी हाथ लगा लीजिए ऊपर से ऐसे ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानश्च द्व्यब्रह्मणोन्नी द्वितीय प्रार्धे श्रीश्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्मन्त्रे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे पुण्यक्षेत्रे इन्द्रप्रस्थनामक्षेत्रे पुण्यक्षेत्रे इन्द्रप्रस्थनामक्षेत्रे राजधान्यात् पूर्वभागे शुभस्थाने षष्ठी बद्रीनाथ मंदिर पारांगणस्य सुस्थाने षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नलनाम संवत्सरे महामंगलप्रदमासानां माशोत्तमे मासे सुवे सौरमानेन चांद्रायणेन फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां सुपुण्यतिथो अद्य वासरान्विताय शनिवासरान्विताय गोत्रोत्पन्नोऽहं सोनक गोत्रोत् अमीरसगोत्रोत्पन्नोऽहम् अस्य विद्यालयस्य प्रबन्धक महोदय श्रीमान् अमनजी शर्मणोऽहम् सपत्नीकोऽहम् भ्रातुसहित्रोऽहम् श्रीमान् ऋषभजी शर्मणोऽहम् एवं च समस्त शिक्षकगणजनानां शिक्षिकाः एवं च आगन्तुक अतिथ्याः सर्वे एवं च विद्यालयस्य अभिभावकस्य विद्यार्थिनः विद्यार्थिनश्च सर्वेषां जनानां कल्याणार्थे विशेषतः अद्य वार्षिकोत्सवादोः करिष्यमाणस्य अस्य विद्यालयस्य चहुमुखी विकास कामनार्थे सर्वेषां जनानां कल्याणार्थे एवं च बालकानां विद्यार्थिनां नृत्यकलायां निपुणता प्राप्ति कामनार्थे मा भगवती सरस्वती विद्यायां उत्तम स्थान प्राप्ति कामनार्थे करिष्यमाणस्य अद्य वार्षिकोत्सव समये सर्वेषां देवानां देवीनां पितॄणां ध्यान पूजन पूर्वकं दीप प्रज्वलनं च अहं करिष्ये इत्याच ओम थोड़ा एक बार सभी देव वैसे मानसिक ध्यान कर लेंगे सब लोग सभी देवी देवताओं का ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरे प्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागायनाय श्रुतिरैक्य विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वां वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्यं विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देव समस्तमे तत् त्वं वे प्रसन्ना भूत मुक्ति हेतु ओम या कुंदेन्दु तुसार हार धवला या शुभ्र वस्तावृता या वीणा वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्माशन या ब्रह्मा चुत संकर प्रवृत्ति फिर देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती बुद्धि प्रदाम सारदा निशेष जा ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यां देहि विशालाक्षी विद्यां देवि नमोस्तुते थोड़ा तिलक करेंगे पहले माँ भगवती सरस्वती पे ओम त्वाम गंधर्वा अखनस्त्वाम इंद्रस्त्वाम बृहस्पति त्वाम ओखादेशोमो राजा विद्वान यक्ष्मा पीला पीला लाल नहीं ये पीला चंदन चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी वसतु मे सदा अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं इसको जला पुत्रार्द्वायुश्च प्राणस्य मुखा दग्निरजायता इदगुं हविः प्रजनमम्नं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोकसन्यभय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो तन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्ता ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुदगेन्द्र हरम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी शैतम नमामि ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि नमस्करोमि बोलो साचे दरबार की जय सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय ओम ये इसको अपने पापा के चरणों में रखो वहां पे लोग ये लोटा पकड़ो मुझे तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है आज हमारे नन्हे मुन्ने दो फिफ्थ क्लास के एंकर आप लोग के होस्टिंग के लिए तैयार हैं अविका और आयुष तो ये अब मैं माइक इनके हैंड ओवर करती हूँ ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे ठीक है बेटा ओके okay.
special guest, Chairman Sir, Principal Ma'am, respective teachers, and all my dear friends. I am Avika, and he is Ayush, my co-host, and we both are from class 5th. As you know, today we are celebrating annual function of our school. Ayush, over to you. Dhanyavaad, Avika. Main Ayush Kumar Mishra, Kaksha 5 se. Aap sabhi ko yahan aane ke liye dhanyavaad, aadarniya atithigan, aadarniya chairman sir, aadarniya pradhanacharya mahodaya, abhivavakgan, shikshikagan, दर्शक एवं मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम श्री बद्रीनाथ मंदिर पार्क में एकत्रित हुए हैं हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाने, वो भी धूमधाम से। अविका, आगे का विवरण आप करें। थैंक यू आयुष। It gives me immense pleasure to host today's annual function, and I'm extremely glad to be standing in front of you all and sharing the stage with my co-host Ayush. Ayush, over to you. धन्यवाद अविका, उसने सही कहा, अविका ने सही कहा कि हम यहाँ आने से पहले काफी उत्सुक थे, काफी मेहनत भी करी और फल में इस मंच पर इतने बड़े मंच पर मेजबानी करने का मौका मिला। अविका, आगे का विवरण आप करें। थैंक यू आयुष। सो ऑडियंस, नाउ योर वेट इज ओवर, नाउ ऑल द परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी स्टार्ट। आयुष, ओवर टू यू। धन्यवाद अविका, अब आपका इंतजार खत्म हुआ, पर उससे पहले भगवान गणेश को याद करेंगे हम एक श्लोक मंत्र से, क्योंकि भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य, शुभ कार्य भगवान गणेश बिन अधूरी है। तो चलिए भगवान गणेश को एक श्लोक मंत्र से याद करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरुवे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। वार्षिकोत्सव में चार चांद लगा दे, जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, वह उनका उत्साह बढ़ाएं। गणपति बप्पा मंगलमूर्ति।
As you know, that Saraswati is the goddess of education. So let's join hands and do the prayer of Saraswati ji. Saraswati Mahabhage Vidya Kamalochane Vidya Rupe Vishalakshi Vidyandehi Namostute. And here they are. उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है. एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अतिथियों के लिए. Thank you.
का देखा है प्री नर्सरी का, तो इसके साथ ही ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों की एक बहुत सुंदर प्रस्तुति है। प्री नर्सरी वाले स्कूल चले हम, तो एक बार जोरदार तालियों से स्कूल चले हम, प्री नर्सरी स्कूल। आ जाओ बच्चे, देखिए स्कूल आ गए बच्चे। Okay.
बच्चों ने स्कूल चले हम, तो ये बच्चों की शुरुआत होती है और यहीं से जो है पता चलता है कि बच्चा आगे करके किस तरीके से करेगा। ये छोटे छोटे बच्चे एक महीने से मेहनत कर रहे हैं आप सबके सामने इतनी सुंदर परफॉर्मेंस देने के लिए, तो एक बार सभी बच्चों के लिए मुझे बार बार कहना ना पड़े आप ही के बच्चे हैं। बिल्कुल वार्षिकोत्सव में, और आप सभी आशा करती हूँ कि आनंद ले रहे होंगे प्रोग्राम का, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वैसे भी करेंगे आप सभी के बच्चे हैं आज, तो आपको वैसे भी एंजॉय करना है और करना भी पड़ेगा, बहुत सुंदर। और आयुष अभी बच्चे नेक्स्ट प्रोग्राम, मैम अब आ रहे हैं छोटे बच्चों की तरफ से काम नहीं किया, हम बोलते आपने काम नहीं किया तो पेरेंट्स बोलते मैम करें क्या, मोबाइल ही नहीं छोड़ते, सारा दिन मोबाइल नहीं छोड़ते। अभी इसमें बच्चों की भी गलती नहीं है क्योंकि 2 साल कोविड के वजह से उनका जो स्टडी मटेरियल है मोस्टली मोबाइल पे जो है, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट के थ्रू ही उन्होंने स्टडी करी है। लेकिन अभी मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ी दूर रखिए, अब इतनी आवश्यकता नहीं है और हमें पता भी नहीं होता बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। तो ये मैं आपको यहाँ से आगाह भी करूंगी और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आपके बच्चे, आप मोबाइल, बहुत से पेरेंट्स की आदत होती है चलो कोई बात नहीं परेशान कर रहा ना थोड़ी देर मोबाइल देख लो गेम ही खेल लेगा, लेकिन ये गलत है। आपको ध्यान रखना है कि वो मोबाइल पे क्या कर रहा है, कितनी देर क्या देखा, ये सब आपको देखना जरूरी है। तो उसी पे छोटे छोटे बच्चों ने एक मोबाइल ऐप तैयार किया और ये बच्चे 4 साल के हैं। एक बार जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। मोबाइल एडिक्शन पे इन्होंने बहुत सुंदर एक कार्यक्रम तैयार किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा ये बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। Oh,
इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दो ना। हर पल यहाँ बेभर जियो, जो है समा कल हो ना हो। धन्यवाद मैम। और कैसा लगा आप लोग को प्रोग्राम? थैंक यू सो मच। और आप लोग बैठिए और अभी आगे बहुत सारे प्रोग्राम है और उनका आनंद लीजिए। धन्यवाद। कमाल की थी, तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी का आगे का विवरण आप करें। थैंक यू आयुष। सो आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस इज मैंने कहा फूलों से बाय द लिटिल किड्स ऑफ क्लास पीबी एंड प्री नर्सरी एंड हियर दे आर। Thank you.
रुनियाल जी को। और अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी दयाल सिंह नेगी जी का। सर अभी अभी आए हैं, अभी थोड़ी प्रोग्रामों का आनंद लेंगे, उसके बाद सर को आमंत्रित करते हैं। और रावत जी, गोविंद सिंह रावत जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। अच्छा अभी आप बैठेंगे लंबा, अच्छी बात है। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग अपने ग्रेट मिशन स्कूल का वार्षिकोत्सव यहाँ पे मना रहे हैं। पहले तो आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत भी है सर, और धन्यवाद भी है, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं अब मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे स्कूल के चेयरमैन सर अमन जोशी सर को। सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर एक बार सर का फूल माला से स्वागत करें। आशु सर, अमन जोशी सर, रघुवीर सिंह नेगी जी का स्वागत करें। आशु सर, आप राठी सर का एक बार स्वागत करें। और साथ ही आशु सर एक बार दिवाकर, हमारे लसियाल सर मोहनलाल लसियाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मंच पे आए। हाँ कृपया मंच पे आइए। सर एक बार एक माला से जो है लसियाल जी का स्वागत करेंगे। ऋषभ जोशी सर एक बार जोरदार तालियां। मैं अमन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर एक गमले के साथ। सर ये एक छोटी सी भेंट है कि इसे आप ग्रेट मिशन के याद स्वरूप लेके जाइए रघुवीर सिंह नेगी जी को, और एक गमला राठी सर को। और सर राठी जी को सबको नहीं। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने अपना समय निकाला। नाउ इट्स ओवर। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का आगे मैं कुछ भी बखान करूं, मैं उस देवात्मा को नमन करूंगा जिनके आशीर्वाद से आज एक ग्रेट मिशन का जो छोटा सा पौध लगाया था आज एक वटवृक्ष बनता जा रहा है। तो सबसे पहले मैं नमन करूंगा परम पूज्य गुरु जी श्री रामकृष्ण जी को, बधाई दूंगा पूरे ग्रेट मिशन के मैनेजमेंट को कि इतना भव्य आयोजन वार्षिकोत्सव पे यहाँ भी किया। पीछे बच्चों का कार्यक्रम तैयार है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए चंद पंक्तियाँ, क्योंकि परम पूज्य रामकृष्ण जोशी जी मेरे गुरु जी मार्गदर्शक थे, साहित्यकार थे, तो कभी कभी जो है कुछ पंक्तियाँ लिखना वो हमें सिखा गए थे। ये चंद पंक्तियाँ मैंने उनके आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर उकेरी हैं, कुछ त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नारायण के इस देवस्थान में शिक्षा का आज ध्वज लहरा, नारायण के इस देवस्थान में शिक्षा का आज ध्वज लहरा, नन्हे नन्हे कोमल पुष्पों संग माँ सरस्वती का नाता है गहरा, माँ सरस्वती का नाता है गहरा। दो युगों से मिलकर जिनका जुड़ा प्यारा नाम था, ये शब्द देखिए, दो युगों से मिलकर जिनका जुड़ा प्यारा नाम था, शिक्षा के लिए समर्पण ही उनका सदा से काम था, उनका सदा से काम था। दो युगों का मतलब समझते हैं, द्वापर और त्रेता, भगवान राम और कृष्ण, और मिलकर बना था रामकृष्ण। तो ये
उसको लेकर शब्द जुड़े थे। सादगी उनकी ऐसी बच्चों संग बच्चे बन जाते, सादगी उनकी ऐसी बच्चों संग बच्चे बन जाते, संस्कृति के लिए समर्पित वो रामकृष्ण कहलाते, वो रामकृष्ण कहलाते। एक नन्ही पौध लगाकर अब वह यह पेड़ बना, एक नन्ही सी पौध लगाकर अब वह यह पेड़ बना, विनोद नगर में दिख रहा है ये छोटा सा उसका तना, यह उसका छोटा सा तना। बूंद बूंद से सींचा है, बूंद बूंद से सींचा है परमिला का ये सुंदर बगीचा, बूंद बूंद से सींचा है परमिला का ये सुनहरा बगीचा, आपके नैनोहालों के लिए बिछा है अमन का गलीचा, बिछा है अमन का गलीचा। सरस्वती के इस मंदिर में, सरस्वती के इस मंदिर में अनुप्रिया दीप जलाए है, संभाल रहे हैं दो ऋषभ विद्या की लौ जगाए हैं, विद्या की लौ जगाए हैं। सभी आगंतुकों को सधन्यवाद कहता है नमन, सभी आगंतुकों को सधन्यवाद कहता है नमन, देश का भविष्य है ये सभी, यही है अपना खिलता चमन, यही है अपना खिलता चमन। विराम देता है बाणी को राठी, यूं ही साथ निभाना तुम, विराम देता है बाणी को राठी, यूं ही साथ निभाना तुम, ग्रेट मिशन के छोटे से निमंत्रण, सदा ही यहाँ आना तुम, सदा ही यहाँ आना तुम। धन्यवाद। शब्दों में जो है आपने पूरे ग्रेट मिशन स्कूल को अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अभी अभी हमारे कार्यक्रम में गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी एकेडमी के उपाध्यक्ष और समाज सुधारक, समाज में काम करते हैं, मैं क्या नाम बताऊं, आप सभी विनोद नगरवासी उनसे परिचित हैं, माननीय श्री कुलदीप भंडारी जी अभी अभी हमारे वार्षिकोत्सव में आए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां भंडारी जी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। अपना फील्ड है, अपना ग्राउंड है और बच्चे बहुत अच्छा जो है स्पोर्ट्स में अचीवमेंट कर रहे हैं, तो मैं आशु सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार बताएं कि इस बार हमारे बच्चों ने क्या क्या जो है स्पोर्ट्स में अचीव किया है। धन्यवाद। हेलो, थैंक यू माया मैम। ग्रेट मिशन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल जो कि आप सबको पता है कि हमारा बुराडी में है, और बुराडी के दो जब आपको सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फिटनेस थी, उसमें बच्चों का बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में फिजिकल फिटनेस ही है जी। उसके बाद जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए तो बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसके बावजूद भी हमारे स्कूल के हमारे चेयरमैन सर अमन जोशी जी ने बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करके, उसके बाद जो हमारे स्कूल ने वहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया, जीरो से लेके आज हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे खेल रहे हैं। जोनल लेवल में हमारे स्कूल ने वॉलीबॉल कैटेगरी में बॉयज की गोल्ड मेडल हासिल किया, वहाँ पे पूरे नॉर्थ जोन में जोन वॉलीबॉल अंडर 14 बॉयज की चैंपियन रही हमारी ग्रेट मिशन कॉन्वेंट स्कूल की टीम। फिर उसके बाद दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में भी हमारे बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, ऑल ओवर दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ ही साथ जब स्टेट गेम्स खत्म हुए तो बच्चों का नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी सिलेक्शन हुआ। नेशनल चैंपियनशिप में हमारे स्कूल का ही एक छात्र जो हमारे ग्रेट मिशन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल के 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है, आरुष गुप्ता, जिसे मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, ये ऑल ओवर दिल्ली टीम का अंडर 14 बॉयज का दिल्ली टीम को कैप्टन थे बच्चे, दिल्ली टीम का कैप्टन बॉयज कैटेगरी में, और जो कि टीम अभी रिसेंटली तमिलनाडु गई थी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, मैं ऑल ओवर दिल्ली का कोच गया था एज अ कोच, और हमारी टीम ने वहाँ पे एक भी मैच ना हारते हुए दिल्ली टीम ने अंडर 14 की कैटेगरी में बॉयज की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया ऑल ओवर नेशनल चैंपियनशिप में। पूरी नेशनल चैंपियनशिप अभी हुई थी कन्याकुमारी में, उसमें हमारे स्कूल का बच्चा था जो कि दिल्ली का कैप्टन भी था और दिल्ली ने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, और हमारे स्कूल के ही दो छात्र और हैं, सूरज कांडपाल और शिवम राजपूत, ये बच्चे भी थे टीम के हिस्सा थे ये दोनों ही स्टेज पे आ जाएं। और इसके बाद हमारे एक बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय खेल में सिलेक्शन हुआ, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है अभी जून में जर्मनी में वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, वो कि आरुष गुप्ता का सिलेक्शन हुआ है उसके लिए अंडर 14 वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए। तो मैं हमारे अमन जोशी सर का
बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूँ सर। दो बच्चों के लिए दो शब्द बोलेंगे। और हमारे वहाँ पे जो ग्राउंड है, हमने अदर एक्टिविटीज में बहुत सारे मेडल जीते हैं। एथलेटिक्स में ही हमारे 52 मेडल्स हैं। ओनली एथलेटिक्स जो होती है उसमें आपके ट्रैक इवेंट्स, रोइंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स, साथ ही साथ वहाँ पे टीम गेम्स, हैंडबॉल, थ्रो बॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, इन सब गेम्स में हमारे स्कूल ने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। और जो पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, वो भी हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट को मिला है। वो आज यहाँ पे नहीं आ पाया उसके एग्जाम्स की वजह से, लेकिन उस बच्चे को पूरे जोन 7 का बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला है। और ये वो बच्चे हैं जो भी नेशनल्स में गोल्ड लेके आए हैं। तो मैं सर से चाहूँगा दो शब्द बोलें बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर। सभी बच्चे, आशीष सर ने इतनी मेहनत करी है इन बच्चों पे, पूरा दिन रात एक करके, और आज जो इन्होंने इतना नाम रोशन किया है हमारे बड़े सर का, जो हमारे फाउंडर भी रहे हैं, तो आज इतनी खुशी होती है कि इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी इनको चांस मिला और उसको चांस मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही मैं ये भी समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बॉर्डर में जाके ही हमें आर्मी में, देश में जाके ही हम देश की सेवा कर सकते हैं। अगर देश का नाम खेल कूद में या अन्य प्रतिभाओं में भी आगे बढ़ता है तो उससे भी देश आगे बढ़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे को बॉर्डर पर ही जाके अपनी सेवा प्रस्तुत करनी है। तो मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करूँगा इसमें सारी मेहनत बच्चों की, आशीष सर की। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, ऐसे ही अपने स्कूल का ही नहीं, अपने देश का, कंट्री का भी नाम रोशन करना। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, द मैनेजमेंट एंड ऑल द स्टाफ इज वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। इसी के साथ साथ जो हमारे ऑल ओवर दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है हिमांशु गुप्ता जी जो IAS हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली स्पोर्ट्स ब्रांच, तो सर के द्वारा हमारे स्कूल को स्पेशल ट्रॉफी से वहाँ पे सम्मानित किया गया था। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली का स्पोर्ट्स फंक्शन था ऑल ओवर दिल्ली का, उसमें ग्रेट मिशन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल को हिमांशु गुप्ता जी द्वारा पूरे स्कूल को सबसे बेस्ट ट्रॉफी जो थी पूरे दिल्ली की, सबसे बेस्ट ट्रॉफी हमारे स्कूल ने हासिल करी थी वहाँ पे। ऐसी ट्रॉफी किसी भी स्कूल को ऑल ओवर दिल्ली में नहीं मिली थी, क्योंकि जोन से लेके इंटरनेशनल तक के लेवल सारे देखे जाते हैं, उसमें हमारा स्कूल अव्वल था। तो मैं आप सबका और बच्चों का और हमारे सर का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और बच्चों ने आपके लिए तैयार किया है, तो आप इसी तरीके से अपने तालियों से बच्चों की हौसला अफजाई करते रहिए। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पे विविध संस्कृति है, विविध धर्म है, विविध जातियाँ हैं, विविध भाषाएं हैं, लेकिन उसके साथ भी, उसके बावजूद भी हम सब एक हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से जाति धर्म भेदभाव को मिटाकर हम सबसे ऊपर एक अच्छे इंसान हैं। तो एक बार जोरदार तालियां, ये सेकंड के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जो बात इनकी समझ में आ गई है वो ये एक्ट देखने के बाद आप सबके और हमारे समझ में भी आएगी, ये मैं आशा करती हूँ। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अल्लाह इलाहा
हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, जन्मभूमि है चाहे
अच्छी थी ना, बहुत सुंदर। माँ का नाम आते ही हम सबके आंखों में वैसे भी आंसू आ जाते हैं और माँ का आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा रहता है। और बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, तो अपनी कद्रदानियों को यूं ना छुपाइए, एक बार हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पार्षद रवि नेगी जी, DPMI के चेयरमैन सर विनोद बचेती जी, हमारे कुलदीप भंडारी सर जो कि गढ़वाली कुमाऊनी और चौंसारी एकेडमी के उपाध्यक्ष और समाज सेवी भी हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे हम सबके अतिथि है क्योंकि हम ग्रेट मिशन परिवार है, आप सब अभिभावक है और हम लोग सभी फैमिली है, तो एक बार जोरदार तालियां। और मैं हमारे स्कूल के चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मंच में आए और सर्वप्रथम एक माला से जो है सर का स्वागत करें। रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बुके के साथ सर का स्वागत करें। और आशु सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मोमेंटो के साथ हमारे सर का जो है अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना कीमती समय जो है हमारे स्कूल के लिए निकाला। सर आप ले लीजिए, हमारे बुलावे पे आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां बनती है। सर हमारे बच्चों को कुछ आशीष वचन जो है दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले समाज के निर्माता जितने भी अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। यहां पर आए हुए सभी पेरेंट्स, बुजुर्ग, युवा साथी और छोटे बच्चे, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अभी आपने एक बच्चों के द्वारा सुंदर सा नाटक देखा था, आपने देखा होगा गुलस्ता। सभी धर्म के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलस्ता हमारा। गुलस्ता कब पूरा होता, जिसमें सभी धर्म आ जाते हैं, तो इसीलिए हिंदुस्तान को एक गुलस्ता कहा गया है। और वही इन बच्चों ने यहाँ पर प्रस्तुति दिखाई है कि सभी धर्म एक है, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। ग्रेट मिशन, नाम से देखे बहुत फर्क पड़ता है, किसी भी व्यक्ति का कोई नाम हो तो एक ग्रेट मिशन एक नाम है, यानी कि कुछ मिशन होना चाहिए बच्चों का। और वो यहाँ की अध्यापिका और आज हमारे सर होते तो उसको किस ढंग से दिखाते, ये मैं यहाँ बैठे बैठे कल्पना कर रहा था, आंखें भी नम हो रही थी कि कुछ ना कुछ मैं कमी महसूस कर रहा हूं। जब ये घटना मैंने सुनी थी तो एकदम से धक्का सा लग गया था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और मैं भगवान बद्री विशाल की कसम खा के कह रहा हूं, उस दिन मेरी हिम्मत भी नहीं हुई मैं दीदी से मिलने जाऊं कि किस तरीके से मैं सामना करूं, दीदी के सामने किस तरीके से जाऊं मैं। तो ग्रेट मिशन जो है, नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इन बच्चों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि स्टेज पे खड़े होके वो बच्चे आपके लोगों के सामने बोल रहे हैं, स्टेज पे मंचन कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं लेकिन समाज के सामने अपनी बात को रखना, किस तरीके से बोलना। और इसमें सबसे बड़ा जो है श्रेय जो है वो गुरुओं का आ जाता है, उसके बाद उनके माता पिताओं का भी श्रेय होता है। उनके माता पिता को गुरुजनों से समय समय पे मिलना चाहिए और अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहिए कि किस तरीके से मेरे बच्चा चल रहा है, तभी उसका विकास होगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का बहुत सारी प्रस्तुतियां आप लोगों के बीच में होंगी और मेरे को कहीं जाना था, इसलिए मैंने इशारे पे कहा मुझे जाना है।
नहीं तो मैं पूरा प्रोग्राम शाम तक यहाँ पर जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है मैं देख के जाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, सबसे पहले जो बच्चों को राह दिखा रहे उनके माता पिताओं का और सभी साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 5 मिनट और लेंगे आपके, बस 5 मिनट चाहिए। फर्स्ट के बच्चे जो हमारे अभी इंटर करिकुलम एक्टिविटी होती है उनमें जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जो है लिया है, अमन सर ये सर्टिफिकेट आपके हाथों से। मैम नेम लेते रहिए आप, ललिता मैम अपने बच्चों को नेम लेते रहिए। ये हम अपने स्कूल के अंदर जो पूरे साल भर में एक्टिविटी करवाते हैं सारे बच्चों को, अभी हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं, सेकंड थर्ड जो आए, फर्स्ट जो बच्चे आए हैं उनको यहाँ पे दिलवा रहे हैं, बाकी बच्चों को जब हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा तब देंगे। तो सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, एक बार जोरदार तालियां। अलीना रंजन किसमें है? इंग्लिश राइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई है अलीना रंजन, एक बार जोरदार तालियां। शी इज वेरी गुड अलीना, भाई क्लैपिंग जोरदार। हार्दिक सेन हिंदी राइटिंग कॉम्पिटिशन, हार्दिक सामने देखो बेटा, बहुत सुंदर। प्रिया रिया 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 रतेला हिंदी राइटिंग कॉम्पिटिशन, रुको बच्चे। कुंज कुंज पांडे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज इन्होंने लिया है, कुंज पांडे। क्या नाम है? निकुंज, निकुंज भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में, तो एक बार जोरदार तालियां। सर्टिफिकेट तो इतने इतने हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं लेकिन टाइम नहीं होता है, इसलिए फर्स्ट के बच्चों को अभी हमने दिया है, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके सामने ली जाएगी, दी जाएगी अभी, नंदा राजजात यात्रा। तो एक बार माँ के आने से पहले जोरदार तालियों से माँ का स्वागत करते हैं। यारी सर भी मेरे पास कहने आ रहे मैम आपकी एंकरिंग में भी कोई दम नहीं रहा, तालियां नहीं आ रही बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। दीपक भट्टी माफी चाहूंगी, बहुत देर से देख रही हूँ, अब नाम लूंगी दिमाग से उतर जा रहा है। कवि दयाल जी हैं हमारे, गोविंद सिंह रावत जी हैं, रमेश जहरा जी हमारे बीच में हैं, योगेंद्र राणा जी हमारे साथ हैं, मुकेश कश्यप जी हैं, जिन जिनका नाम मैं जानती हूँ मैंने बोल दिया है, और अगर किसी का नहीं ले पा रही हूँ तो फिर माफी चाहूंगी। आप सभी का स्वागत है, और ढींगरा सर हमारे बीच में अभी अभी आए हैं, सर जोरदार स्वागत है आपका। हमारे पुराने ममता मैम भी आई हैं, पूनम मैम बहुत बहुत स्वागत है मैम आप लोगों का, एक बार जोरदार तालियां सभी अतिथियों के लिए। वापस लेती हूँ, माँ नंदा राजजात यात्रा का आनंद लेते हैं। क्लास सेकंड के बच्चों ने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी है, जय हो रिपन डांस। Chica, chica.
Thank you.
हमारे रविंदर उनियाल सर और दयाल सिंह नेगी जी का भी एक बार स्वागत। उनियाल जी, दयाल नेगी जी का। जोरदार तालियां। और साथ ही मैं प्रमिला मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बुके के साथ विनोद बचेती सर का जो है बुके के साथ प्रमिला मैम। हाँ, विनोद बचेती जी का। और अनुप्रिया मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे रवि नेगी सर का जो है एक बुके के साथ सम्मान करें। और अमन सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मोमेंट जो रखे हमारे बचेती सर का एक बार। आशु सर आप दीजिए माला। और साथ ही सर रवि नेगी सर का भी एक मोमेंटो के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सुनीता मैम एक गमले के साथ जो है रविंदर सर का। और
और हमारे ढींगरा सरकार गमले के साथ साथी ढींगरा सर और हमारे दयाल सर का एक बार जोरदार तालियां बनती हैं। इतने दिग्गज हमारे सामने सभी लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सूरज समान आप हैं, हमें दीपक तुझ, और आपके हमारे प्रोग्राम में आके सर आपने चार चांद लगा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर कि हमारे बच्चों को कुछ आशीष वसन अगर आप दे सकें तो जरूर दें, माननीय विनोद बछेती जी, और सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी इसके बाद। ग्रेट मिशन इशू के जो संस्थापक हमारे बड़े भाई स्वर्गीय जोशी जी, उनके पुत्र जो संस्थान को देख रहे हैं अमन जी, आदरणीय भावे जी, संस्थान के जुड़े हुए सभी अध्यापक, सभी बच्चों के सभी गार्जियंस, यहाँ पे सभी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे यहाँ बैठे हैं, गुरु जी, रवि जी, प्यार सिंह निगी जी, पुनियाल जी, और यहाँ रावत जी बैठे मेरे सामने, सभी साथी बैठे हैं, हमारी बहन सत्या जोशी जी, सभी बैठे यहाँ पे, चहल साहब, सब लोगों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आदरणीय जोशी जी के से तो मेरा ऐसा था जैसे हमेशा मैं बड़े भाई के रूप में उनको मानता था, और बड़ा भाई मतलब होता है एक पिता तुल्य होता है, और हम जो भाषा अभियान चलाते हैं अपनी पहाड़ी बोली भाषा बचाना अभियान हो या धार्मिक आयोजन में हो, तो वो हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, और उनका स्कूल एक ऐसा होता था कि जब भी हमें कोई सामाजिक गतिविधि या किसी भी चीज़ होती थी तो वो हमेशा इंतजार करते भाई इस बार ये जो भी कार्य होगा मेरे संस्थान में होगा, मुझे भी आप साथ में जोड़िए। यहाँ पे बच्चों के माता पिता सब बैठे हैं। देखिए क्या होता है कि हम सब लोग चाहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक बड़ा व्यापारी बने, एक राजनेता बने, लेकिन एक अच्छा सबसे पहला होता है कि अच्छा मानव बने। जिस तरह से अभी जो नंदा राज यात्रा रहेगा, जो बच्चे थे छोटी छोटी बच्चियाँ बच्चे हमारी और बच्चे थे, तो मैंने अमन जी से पूछा कि कौन सी क्लास के हैं, तो उन्होंने कहा ये पाँचवीं क्लास के बच्चे हैं। तो जिस तरह की उन बच्चों को अपने धार्मिक चीज़ों का, अपने संस्कृति का, अपनी बोली भाषा का, अपने पहनावा का, उस हर चीज़ को सिखाया जा रहा है, वो जो चरित्र निर्माण और जो संस्कार सिखाए जा रहे हैं, ये बहुत कम संस्थानों में होता है। आज तो देखिए देश, अभी तो प्रदेश में बड़े बड़े कन्वेंट स्कूल है, एयर कंडीशनर सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर जो हमारे आदिकाल की बात करें तो जो भगवान श्री राम उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो तो गुरुकुल में जंगलों में ली थी। तो ये महत्व तो नहीं करता कि स्कूल कहाँ है, महत्व तो ये करता है कि शिक्षक क्या ज्ञान दे रहा है। एक शिक्षक अच्छा होगा तो पेड़ के नीचे पढ़ाने से बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब बड़ा व्यापारी बन सकता है। तो आदरणीय जोशी जी का हमेशा जो उनकी जो उन्होंने नींव रखी स्कूल की, वो एक अच्छे संस्कार देने वाले स्कूल की नींव रखी, मैं आज उनको नमन करता हूँ। और इस संस्थान से, क्योंकि ग्रेट मिशन स्कूल से, तो मैं बहुत समय से इस संस्थान के कार्यक्रम में आता हूँ। आज 28 साल इस संस्थान को हो गए, शायद 28 वर्ष हो गए स्कूल को, 28 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। और जोशी जी, संस्थान से जुड़े हुए मैनेजमेंट के लोगों ने, टीचरों ने केवल अच्छे के लिए, देखिए कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक चरित्र निर्माण संस्कार का काम करना चाहिए। और मैं हमेशा ग्रेट मिशन स्कूल के पूरे मैनेजमेंट सभी लोगों के साथ में हूँ, और यहाँ से निकलने वाले बच्चों के बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जिस तरह हमारी छोटी छोटी बच्चे 5 साल की, जो बच्चे पीछे थे, आने वाला कल उनका है, उनमें से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर्स देश के, दुनिया में अलग अलग कोने पर जाएंगे, क्योंकि नींव यहाँ रखी जा रही है, जो संस्कार यहाँ रखे जा रहे हैं, अपनी पहनावा, बोली भाषा, बड़ों के प्रति सम्मान, बड़ों के प्रति आदर, ये बहुत कम जगह ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो कहीं ना कहीं ग्रेट मिशन स्कूल में है। मैं आज आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं रवि नेगी सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द बोलकर हमारे बच्चों को आशीष दें। भारत माता की। बच्चे दोनों हाथ खड़े हो करके बोलेंगे, स्कूल में बोलते हैं ना, सुबह सुबह बोलते हैं स्कूल में भारत माता। कौन कौन सा बच्चा बोलता है भारत माता? सारे बोलते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज है सर्वप्रथम अपने गुरु
पिता तुल्य, अपने बड़े भाई तुल्य, जिन्होंने जीवन में हमें आगे बढ़ने का राह दिखाई और उंगली पकड़कर बचपन से पढ़ाया लिखाया, और स्कूल में से आने के बाद जब उनका मार्गदर्शन मिलता था तब लगता है असल में पढ़ाई पूरी अब यही हो रही है। ऐसे मेरे पिता तुल्य रामकृष्ण जोशी जी को मैं सर्वप्रथम नम आंखों से उनको नमन करता हूँ, उनके चरणों में दोनों हाथ रखकर और उनसे विनती करता हूँ सभी से कि आज असल में जो ये ग्रेट मिशन की जो एक एक पेड़ एक बीज जो लगाया था वो हमारे गुरुजी ने लगाया था, आज इसको वट वृक्ष के रूप में पूरा बिलोद नगर और पूरा देश आज ग्रेट मिशन के स्कूल को जानता है। इसके अगर कोई है असल में तो मेरे गुरुजी मेरे पिता तोलिए रामकृष्ण जोशी जी हैं, और आज यहाँ उपस्थित है मंच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिनका हमेशा बहुत प्रेम और बहुत प्यार रहता है इस स्कूल से और हम जैसे लोगों को भी बहुत प्यार करते हैं, ऐसे भाई विनोद बछेती जी, हमारे गुरुजी ढिंगरा जी जो लगातार समाज में बच्चों को संवारने का काम करते हैं। आप दिए भी स्कूल में 22 प्रिंसिपल रहे, आपने कई बच्चों के जीवन को सुधारा, कई बच्चों को आगे बढ़ाया, ऐसे ढिंगरा जी, हमारे रविंद्र उनियाल जी जो लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं, हमारे अमन जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय जुझारू उत्तराखंड के लिए हमेशा रात दिन लगे रहते हैं, ऐसे दयाल नेगी जी, और नीचे उपस्थित मेरी पूर्व में इस वार्ड की बहुत ही लोकप्रिय पार्षद रही बहन सत्या जोशी जी, बहन रेणु जी, और मेरे आज हम लोग के अध्यक्ष ई ब्लॉक के धर्मेंद्र जी, हमारे भरजी गढ़ कुमाऊं के महासचिव भरजी गुलवार जी, गणेश जी, और मेरी महासमान और दीदी परमिला जी, जिनका सबका मार्गदर्शन आज जिनका मार्गदर्शन हमेशा बच्चों को मिलता है। मित्रों पढ़ाई स्कूल बहुत खुलते हैं जीवन में, हर जगह स्कूल खुले हैं, पर स्कूलों में अगर संस्कार देने का कोई काम करता है तो वो ग्रेट मिशन स्कूल करता है, जो बच्चों को संस्कृत से दिखा रहे, इतना अच्छा नाटक कर रहे, इतने अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बार जोर तालियां बच्चों के लिए बजाएंगे। और लगातार मैं आपकी सेवा में 3 महीने पहले पार्षद जीत कर आया, और मुझे आज भी याद है मैं 2017 में जब निगम का चुनाव लड़ रहा था, मेरा टिकट कैंसिल हुआ तो सबसे पहले आंख में आंसू किसी के थे, मेरे को आज भी याद है रामकृष्ण जोशी जी मेरे गुरुजी के आंख में आंसू थे, और वो मेरे को बोला उन्होंने कि भाई मेरे को बड़ा दुख है। 2020 में जब मैं विधायक का चुनाव लड़ा, थोड़े से वोटों से मैं चुनाव हारा, उस टाइम इनकी आंखें नम थी, मतलब ऐसे गुरु ऐसे पिता की तरह प्यार करने वाले आज बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि आज कार्यक्रम हो रहा है तो कार्यक्रम में वैसे दिनचर्या में इतनी याद नहीं आती, पर आज सामने दिख रहे हैं इसलिए उनकी बात यादें आ रही हैं। असल में सब लोग अभिनेता होते हैं, अगर रियल कोई हीरो थे तो रामकृष्ण जोशी जी थे, जो जीवन में ऐसे अभिनय करते थे जो लगता था कि व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हम नाटक देखते हैं, नाटक में थोड़ी देर के लिए अभिनय होता है, पर रियल में अभिनय करना और परिवार को साथ रखना और बच्चों को आदर्श देने का काम कोई करता था तो हमारे गुरुजी करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, और मैं लगातार आपकी सेवा में काम कर रहा हूं। 3 महीने से जो हमने बात कही, हमने कहा कि पार्कों में गुंडागर्दी खत्म करेंगे, 3 महीने के अंदर हमने सारे पार्क स्वच्छ कर दिए, सारे पार्क में जो गुंडे मवाली जो दारू पीते थे रात को लोग, उनका सफाया कर दिया है, कराए सफाया, पार्कों में जो रात को शराब पीते थे हटा दिए ना, हटाए क्या, चलो ठीक है, किसी को पता है किसी को नहीं पता। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत आभार। सर रिक्वेस्ट करूंगी सर एक बार मंच पे आए, सर जल्दी आए, बच्चे थोड़ी वेट कर रहे हैं, और PNPS और PP के टीचर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने फर्स्ट के बच्चों के सर्टिफिकेट तैयार रखें। उर्मिला मैम और अनुजा मैम अपने फर्स्ट बच्चे लेके आ जाइए जल्दी से, सर 5 मिनट और लेंगे आपका, माफी चाहूंगी। हाँ सर का एक मोमेंटो के साथ माफी चाहूंगी सर। हाँ नहीं मैं बुला रही हूँ बच्चे भी। अनुजा मैम लाइए सर, बच्चा का नाम भी और सर्टिफिकेट।
कोई बात नहीं। क्या नाम? विया वर्मा। ये है राइम्स कंपटीशन में इन्होंने फर्स्ट पोजीशन जो है ली है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जो है बहुत सौभाग्यशाली बच्चे जो इतने सभी के हाथों से इनको सर्टिफिकेट मिल रहा है। उर्मिला मैम इनके इनके दो मैम जल्दी जल्दी सर आप ना आप दो ना लिस्ट और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आया इनका आनंद फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तेजस्वनी गौर वेयर इज तेजस्वनी तेजस्वनी हमारी सर की भतीजी हैं भांजी हैं। आन्या सिंह वेयर इज आन्या हाँ सर आप दीजिए। हर्षिता बेस्ट राइम्स कॉम्पिटिशन हर्षिता चिन्मय मिश्रा चिन्मय शिवांशी मैम शिवांशी का है सर आप दे दीजिए कोई बात नहीं। एक बार जोरदार तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैंने पहले भी कहा कि जो भी हम अपने इंटर स्कूल करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाते हैं फैंसी ड्रेस है या ड्राइंग कंपटीशन है हिंदी इंग्लिश अभी बच्चों के अगर सर्टिफिकेट देने लगे तो बहुत सारे हैं। ये ओनली वो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट पोजिशन जो है ली है तो एक बार जोरदार तालियां मैम लेके जाइए। शिवानी मैम अभी पीपी के बच्चे जल्दी आ जाइए पीपी के टीचर्स आपका और आज आप आने को तैयार नहीं है। दीपक भट्टी मंच पे आइए। मोहनलाल लसियाल जी कविदयाल जी प्लीज कहीं पेरेंट्स के पास है तो बच्चे मंच पे आ जाओ आपका सर्टिफिकेट है। अरुणिया लसियाल जी का हो गया स्वागत जी का। रुद्र प्रताप संगीता मैम की क्लास में पीएस में रुद्र प्रताप को भी अगर पेरेंट्स लेके गए तो उससे लेके आइए। मैंने लसियाल जी का नाम भी लिया है कविदयाल सर का। सर आइए प्लीज मंच पे और बच्चों को ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि हमें बच्चों को ऐसे सम्मानित करने का मौका मिले। सिद्ध कहाँ है हरीश लिंगवाल जी सॉरी माफी चाहूंगी सर मैं पहचाना नहीं अभी सर बता रहे। हरीश लिंगवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे आए। सिद्धि भट्ट सिद्धि मैम आप लाइए आपके सर्टिफिकेट। वेदिका बोल देती हूँ वेदिका डबराल पीपी फैंसी ड्रेस कंपटीशन क्या हुआ हाँ। अच्छा सर वेदिका डबराल हेलो इसको दीजिए। अच्छा दे दे अरे अभी रहिए ना बेटा है प्रोग्राम रुकिए। समृद्धि नयाल सर समृद्धि नयाल मैम समृद्धि नयाल को देना। मयांक मैम आओ अभय अत्री को दीजिए। रुद्र प्रताप कहाँ है रुद्र प्रताप मैम आए नहीं। आरव सिंह आरव सिंह कृति चौरसिया मैम कृति आई नहीं। अच्छा और कोई रह गया मैम सिद्धि भट्ट आयुष वेयर इज आयुष यहाँ है सर वहां जाना पड़ेगा बच्चों के साथ हमें हमें जाना पड़ेगा बच्चे हमारे पास नहीं आएंगे। हार्दिक आइए ना सर हार्दिक सर आप आइए लक्ष्य का दीजिए ये कोई बात नहीं।
संप्रति सर आपने दे दिया, सर आपने दिए और दे दीजिए, कोई बात नहीं। संप्रति श्रेयांश नौटियाल, एक बार जोरदार इन तालियां इन छोटे छोटे बच्चों के लिए और हमारे आए हुए अतिथियों के लिए भी जिन्होंने बच्चों को जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है,
छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है वो गौतम बुद्ध पे आधारित है, किस तरीके से गौतम बुद्ध ने एक जो है महलों में पैदा हुए राजकुमार थे और किस तरीके से सांसारिक जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से इतना दुख है और वो रास्ते में ले जाते हुए जब किसी शव को देखते हैं तो उनका पूरा मन जो है वो परिवर्तित हो जाता है और पूरा जो एक राजाओं के घर में पैदा हुए किस तरीके से वो संन्यास की ओर चले जाते हैं, इस छोटे से एक्ट में छोटे से बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। गौतम बुद्ध पे आधारित जो नेक्स्ट एक्ट है उसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या हम लोग बड़े घर में नहीं पैदा हुए, जो भी है, लेकिन गौतम बुद्ध स्वयं जो एक राजा के घर में पैदा हुए और उसके बाद जब उन्होंने संसार की दशा को देखा किस तरीके से वो जो है संन्यास में गए बुद्धम शरणम गच्छामि, तो उस तरीके से उसका बहुत सुंदर चित्रण जो है अभी आपके सामने हमारे बच्चे करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बुद्धा एक्ट के लिए।
प्रस्तुत करेंगे तेरे जैसा यार कहां, एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।
आप सर्टिफिकेट दे दो डायरेक्ट, बच्चों को बुलाओ। पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, वेयर इज पुण्या, पुण्या ही नहीं है। भूमिका शर्मा, भूमिका कम एयर बच्चे, भूमिका इधर आओ, किस चीज में है? हिंदी राइटिंग कंपटीशन फर्स्ट, जोरदार तालियां। पुण्या धाकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन फर्स्ट। ये जो भी हमारे स्कूल में साल भर में हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, फैंसी ड्रेस, हिंदी, इंग्लिश राइटिंग, राइम्स और क्विज कंपटीशन, उसमें जो बच्चे फर्स्ट पार्टिसिपेंट हैं या जिन्होंने जीता है सर्टिफिकेट, उनको हम दे रहे हैं, ठीक है। मानवी जुबरान, मानवी जुबरान इंग्लिश राइटिंग कंपटीशन, वेयर इज मानवी? मानवी जुबरान है ना, मानसी तो बोला, मानसी कम यार बच्चे आ जाओ। अच्छा सुमित फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, सुमित है आ जाओ बच्चे। खुबेंदर सिंह, खुबेंदर यहाँ पे आ जाओ, ये लीजिए सर आ जाइए। एशवी, एशवी कम यार बच्चे, सर मैम एशवी, एशवी एड़े। वैष्णवी, वेयर इज वैष्णवी? वैष्णवी इज नॉट प्रेजेंट, ओके। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आएंगे वैष्णवी, तो एक बार जोरदार तालियां सभी बच्चों के लिए। अक्षय कुमार का कहा है मेरे पास नहीं, वैष्णवी, ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बेटा, आप सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आप रुकिए, अभी एक बार मैं अनुप्रिया मैम अगर हैं यहाँ पे अवेलेबल, नहीं है, अच्छा प्रमिला मैम एक बार मंच पे आने का कष्ट करें प्लीज। सुनीता मैम माला से, गीता मैम का एक बार स्वागत माला से, सुनीता मैम। और एक मोमेंटो के साथ अब एक मोमेंटो के साथ बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां। अब तालियों की आवाज नहीं आ रही, केवल आगे आगे के, अभी अब बहुत सारे प्रोग्राम हैं, अभी भी नहीं आई, मैं अकेले बजाऊंगी तो मेरी बहुत जोर से आएगी, आप लोग के मिलके भी नहीं आ रही, हाथ ऊपर करके, बहुत सुंदर। थैंक्स चमोली जी, डीएस नेगी जी और किशोर भट्ट जी अभी अभी आए, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार मंच पे आए, किशोर भट्ट जी, रमेश चमोली जी और डीएस नेगी जी, एक बार जोरदार तालियां। How can we live without trees? Air pollution by great trees, if that is the today, tomorrow it may reach us as well. Good quality of water and air is the birthright of every citizen on this land. We must be sure that we are not the cause for it. Poor air can cause lung cancer, asthma and many other health issues. We can realize the dream of better Bharat with our better basic needs. Now I can call upon a Jabyuktan Mukut. Thank you.
आगे बैठो।
से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। थैंक यू माया मैम। जैसे कि आप सब जानते हैं, वेस्ट विनोद नगर में ग्रेट मिशन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से रजिस्टर थी और उसके बाद से कोचिंग क्लासेस देना शुरू किया था इस एरिया में, तब ये एरिया डेवलपिंग ही था। आज भी कई लोग इनके आशीर्वाद से पढ़कर यहाँ से काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस में आज वर्क कर रहे हैं और उनके बच्चों के बच्चे आज यहाँ पे हमारे स्कूल के अंदर अभी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम यहाँ पे बच्चों को शिक्षा ही नहीं, जो हमें हमारे पूज्य फाउंडर सर रामकृष्ण जोशी जी ने बोला था कि हमें आज तक ये चीज़ याद है कि शिक्षा ही नहीं संस्कार भी बच्चों के अंदर डालो। अगर शिक्षा है और संस्कार अगर बच्चों के अंदर नहीं है तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। क्या फ़ायदा इतना पढ़ा लिखा के अगर बच्चों के अंदर वो मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, जिसकी आज इस आज की डेट में मॉरल वैल्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों में भी, सकारात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं ना कि जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो हम जैसा देखेंगे वैसी हमें दुनिया दिखाई देगी। तो बच्चों के अंदर हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड उनके अंदर डेवलप हो, उसके साथ साथ साहस हम बनने का कोशिश करते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि 2 साल से बच्चे कोविड में घर ही के अंदर रहे, बच्चों का इंटरनल डेवलपमेंट तो हुआ ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, पर जो आज उनको 2 साल बाद ये मंच मिला है, तो यहाँ पे मंच में खड़े होके बच्चों ने डांस किया, अपनी विभिन्न परफॉर्मेंसेस आप सबके सामने प्रस्तुत करी हैं, तो ये एक बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो हम बच्चों में साहस भरने की कोशिश करते हैं, साथ में साथ पेरेंट्स को भी बच्चों के अंदर साहस भरना चाहिए कि हाँ यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। तो बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट तब जाके होती है, केवल एक एजुकेशन ही काफ़ी नहीं है, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सकारात्मक सोच है, साहस है, ठीक है, उसके बाद मुझे लगता है संयम होना बहुत ज़रूरी है। संयम नहीं है तो
तो फिर हम सफलता को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संयम रखना, आज नहीं तो कल, ठीक है। इस एक्ट में कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, हमने तो कोशिश की सबको मौका दिया जाए, कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, बीमार हो गए, पर हम संयम रखेंगे अगले साल दोबारा कि मैंने इसमें नहीं किया तो मैं दो एक्टों में और पार्टिसिपेट करूंगा, और इस भावना से बच्चे आगे आए। तो यही हमारी मोटिवेशन रहती है कि बच्चे अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डाले, साहस डाले और संयम रखे, तो बच्चा सफलता की ओर बढ़ेगा। और मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा प्रोग्राम देख के ही यहाँ से जाएं, उससे पहले प्लीज ना उठे सारे बच्चे। आपके लिए ढाई मिनट का एक्ट हो सकता है, पर बच्चों के लिए पूरी एक महीने की ये प्रैक्टिस है, पूरे एक महीने से बच्चे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप सब पूरा प्रोग्राम देख के ही यहाँ से जाएं। धन्यवाद।
जोरदार तालियां हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये बड़े होगा।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर तालियों की गड़गड़ाहट नहीं आई बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं सुनाई दी। एक बार जोरदार, बहुत अच्छे हैं, अब लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ है। सत अभिनंदन है, सत सत अभिनंदन है, एक बार जोरदार तालियां। अल्फाजों में कैसे जिक्र करें आपका, लफ्ज भी कम पड़ जाएंगे, जो हर बाग में फूल नहीं खिलते। पधार गए अतिथि को, हम सभी ग्रेट मिशन परिवार की ओर से भावपूर्ण अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे स्कूल के प्रबंधक महोदय माननीय अमन जोशी सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर कि एक माला से सर का स्वागत करें। और गीता मैम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मंच पे आए। और एक बुके से जो है संदीप सर का स्वागत करें। साथ ही सजवान सर बिल्कुल मैं सजवान सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मोमेंट को देकर जो है सर का अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अच्छा, राजकुमार कविदयाल जी बिल्कुल, उनका बहुत हाथ है बिल्कुल सर को यहाँ तक लाने में, कविदयाल सर का बहुत हाथ है। सर प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज प्लीज। हाँ बिल्कुल सर, सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक माला से जो है संदीप सर का अभिनंदन करें। नहीं नहीं सर, नहीं सर, माफी चाहेंगे, हम आ नहीं पाए। थैंक यू सर, दो शब्द अपने हमारे बच्चों को, सर बच्चों को आशीष देना यहाँ पे तो नहीं सर, बिल्कुल आप जैसे बने बच्चे बहुत ही अच्छा मैंने देखा है लक्ष्मी भाई वाला, मुझे बहुत पसंद आया। एंड आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी नव दुर्गा ज्योति समिति से हमारे यहाँ पे प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी मंच पे, उनके साथ मंच पे आए। एक बार जोरदार तालियां। सर अगर यहाँ पे हैं तो एक बार मंच पे आने का कष्ट करें। थैंक यू सर।
इनको साथ लेके चलना है। एक माला से जो है स्वागत करेंगे सैनी जी का और साथ ही प्रमोद सर का। सर गमले देखे नहीं नहीं बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हालांकि हमारे लिए हर पेरेंट्स बेस्ट है, हर अभिभावक बेस्ट है जो हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों के साथ हैं, हर अभिभावक हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी पंडित गोपाल शर्मा जी को, एक बार जोरदार तालियां। इनका हमेशा हमें सहयोग रहता है, आज से नहीं शुरू से, हर काम में, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, हर चीज में सर हमेशा, सर भी उनकी वाइफ भी हमेशा सपोर्टिव रहती हैं। अगर मैम है यहाँ पे तो वो भी आ जाए स्टेज पे, अगर है या मैम चले गए। श्रेष्ठ की मदर अर्चना शर्मा, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं। तो हमारे बीच में अभी अभी उपाध्याय स्कूल के ऑनर चेयरमैन सर हिमांशु उपाध्याय जी आए। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक बार मंच पे आए। माफी चाहूंगी सर, पानी पी रहे थे मैंने जल्दीबाजी में बुला लिया। वेलकम सर। सर्वप्रथम तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के बेस्ट पेरेंट्स को जो है ट्रॉफी के साथ आप सम्मानित करें। आशु सर, ग्रेट मिशन स्कूल की ओर से 2022-23 के बेस्ट पेरेंट्स का जो अवार्ड जाता है वो पंडित गोपाल शर्मा जी, श्रेष्ठ के पिताजी, क्योंकि बेस्ट पेरेंट्स का मिल रहा है ना, तो श्रेष्ठ के पिताजी को एक बार जोरदार तालियां। आशु सर एक बार माला से पहले सबका जो है स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अमन सर से रिक्वेस्ट करूंगी सर हिमांशु सर को एक मोमेंटो के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जोरदार तालियां। अब तालियां सब थक गए सुबह से, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि आपका सपोर्ट हमारे लिए बेस्ट होता है, चाहे वो PN, PS, PP, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, शरारती हो ना हो, पढ़ने में अच्छा हो थोड़ी कम अच्छा हो, कोई ना कोई क्वालिटी हर बच्चे में होती है। लेकिन हर बच्चा हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा होता है जो सब चीज में ऑलराउंडर हो जाता है। तो अभी जैसे कि आप देख ही रहे हमारे आयुष को आपने देखा, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, अविका भी बहुत अच्छी कर रही है, दोनों बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक बार आयुष और अविका के लिए जोरदार तालियां, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया बच्चों ने, बहुत अच्छे से मंच को बांधे रखा। तो इस बार का 2022-23 का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जाता है आयुष कुमार मिश्रा। आयुष आप बहुत देर से देख रहे हैं और बहुत अच्छा ये आज होस्टिंग भी कर रहे हैं। मैं आर के शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर मंच में आए एक बार, और आयुष की मदर अगर यहाँ पे मदर फादर कोई भी आए तो वो भी आए मंच पे। इतना एक्साइटेड हो रहा है। ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर आयुष कुमार मिश्रा, एक बार जोरदार तालियां आयुष के लिए। ये बच्चा हर चीज में, पढ़ाई में वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे इसके पेरेंट्स ने इसको संस्कार दिए हैं। कोई भी बात करनी हो उसका तरीका, यही नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में, कोई भी चीज कुछ भी बोलिए हर चीज बहुत सिंसियरली करता है। आप देख भी रहे हैं, आपने अभी सुबह से आप देख रहे हैं 11:30-11:30 से बच्चा यहाँ पे होस्टिंग कर रहा है, तो खुद में समझ में आ जाते हैं कि पूत के पांव जो है वो पालने में दिख जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां आयुष के लिए फिर से, बहुत अच्छा बच्चे। थैंक यू मैम। चलो मैं लास्ट
करते हैं। चलो चलो गढ़वाली सुन। चलिए इसी के साथ अब आपके सामने बहुत सुंदर प्रस्तुति फोर्थ और फिफ्थ के बच्चों द्वारा एक गढ़वाली मिक्स सॉन्ग। एक बार जोरदार तालियां। को 500 रुपए दिए थे अपनी स्वर्गीय माता श्री को समर्पित करते हुए 500 रुपए नंदा राज जात यात्रा को। तो धन्यवाद राजकुमार कविदयाल जी और पूनम नेगी मैम का। Thank you.
सभी बच्चों के लिए बहुत सुंदर क्लास फिफ्थ
कुशवाहा, हिंदी राइटिंग सृष्टि कुशवाहा। सर अनन्या झा, वेयर इज अनन्या? अनन्या झा नहीं है। लावण्या धवन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजिशन लावण्या। अतिशय, अतिशय कौशिक, अतिशय इज प्रेजेंट और नॉट? इंग्लिश राइटिंग कॉम्पिटिशन फर्स्ट पोजिशन। नेहा, नेहा यादव, नेहा एक बार जोरदार तालियां अतिशय के लिए। नेहा, नेहा अच्छा, हिंदी सुलेख प्रतियोगिता। आयुष कुमार मिश्रा, फैंसी ड्रेस खुद ही ले लेते हैं। और इसी के साथ हमारे अभी पंडित गोपाल शर्मा जी ने दोनों एंकर को 500-500 रुपए का जो है अपनी ओर से पारितोषिक दिया है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और हमारे बीच में ताराचंद सैनी जी हैं, जिन्होंने अभी आपने बहुत सुंदर एक्ट देखा झांसी की रानी, उसको 11,000 रुपए का जो है पारितोषिक दिया है। एक बार जोरदार तालियां। ये जितने भी एक्ट है इनमें हमारे बच्चों का और हमारी टीचर्स के बहुत एफर्ट्स हैं। टीचर्स हमारी कोई भी सामने पे आके प्रोग्राम नहीं देख पाई हैं, क्योंकि सब वो बच्चों के साथ अरेंजमेंट में लगी हैं। और पिछले एक महीने से जो है बच्चों के साथ टीचर्स और हमारे स्पेशल कोरियोग्राफर सर नेगी सर आते थे, यहाँ पे कनिष्क कभी नहीं है, कनिष्क इन सब ने बहुत मेहनत बच्चों के ऊपर की है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों को इस तरीके से आशीष देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अगर आप अपने दो शब्दों से हमारे बच्चों को आशीष वचन दीजिए। ग्रेट मिशन स्कूल जैसे नाम है वैसा ही काम है। और मेरा तो ताल्लुकात जो रामकिशन जोशी जी से था, क्योंकि बहुत ही इतने अच्छे नेचर के, और मतलब काफ़ी दुख होता है सुन के कि भाई हमारे बीच नहीं है वो। और जो आज स्कूल जिस मिशन पे आज खड़ा है वो स्कूल आज उनकी देन है, उनके सपुत्र बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। आज मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और काफ़ी खुशी भी हो रही है कि उनसे अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे कर रहे हैं और टीचरें भी बहुत पूरी मेहनत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकाल के हमारे पास आए और हमेशा हमेशा आपका सहयोग हमें हमारे स्कूल परिवार को रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। Thank you.
ऋषभ सर, ऋषभ सर, नहीं 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 Hello.